हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 5 फरवरी 2022 बसंत पंचमी शुभ योग, भूल कर भी ना करें आज ही 5 काम। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी द्वारा माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इस दिन माँ सरस्वती का जन्मोत्सव और उनकी पूजा की जाती है। साल 2022 में बसंत पंचमी 5 फरवरी को है। इस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और साथ ही इस दिन बुधादित्य योग और केदार योग का संयोग भी रहेगा, जिस कारण इसका महत्व कहीं अधिक होगा। आज हम आपको साल 2022 में बसंत पंचमी, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन कौन से कार्य वर्जित माने जाते हैं इस बारे में बताएंगे। बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में बसंत पंचमी का पर्व 5 फरवरी शनिवार के दिन मनाया जाएगा। पंचमी तिथि आरंभ होगी 5 फरवरी प्रातःकाल 3:47 पर। पंचमी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी प्रातःकाल 3:46 पर। बसंत पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5 फरवरी प्रातःकाल 7:07 से दोपहर 12:35 तक। बसंत पंचमी पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन प्रातः स्नान के बाद पूजा स्थल की सफाई कर एक चौक पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और इस चौक पर माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। आज के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है, इसीलिए प्रतिमा को पीले रंग के वस्त्र व फूल अर्पित करें। अबरोली, चंदन, हल्दी, पीली मिठाई, पीली बूंदी या लड्डू और पीले अक्षत प्रतिमा को अर्पित करें। पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबें रखकर इनकी भी पूजा करें। इसके बाद माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करें। आज के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा भी करना बहुत ही शुभ होता है। बसंत पंचमी पर क्या ना करें। इस साल बसंत पंचमी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, बुधादित्य योग, सिद्ध योग और केदार योग के संयोग में मनाई जाएगी। ज्योतिष अनुसार इस शुभ दिन पर इन शुभ योगों में सभी को कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए माँ की आराधना व उपाय करने चाहिए, ताकि आपको माँ सरस्वती के आशीर्वाद से विद्या, धन और सुख समृद्धि प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं इस दिन बरती जाने वाली सावधानियाँ क्या है। इस दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी पर पीले रंग का खास महत्व है, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन पूजा के दौरान किसी अन्य रंग के बजाय माँ को पीले रंग के वस्त्र व पूजन सामग्री अर्पित करें और खुद भी पीले वस्त्र पहनें। यह बहुत शुभ होता है। शास्त्रों की माने तो बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधे, फसल या पौधों की कटाई छटाई से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के दिन भूलकर भी क्रोध न करें और न ही किसी को अपशब्द बोलें। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।